नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों को यह जानकारी है कि आरओ एआरओ परीक्षा के लिए हिंदी की श्रृंखला प्रारंभ की गई है और इस बार का ये लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा सा समय अंतराल आप लोगों को देखने को मिला होगा, ऐसा चुनावी व्यस्तता और स्वास्थ्य कारणों से रहा है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विलोम पर। विलोम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और 6 टॉपिक के अंतर्गत जो विलोम को एक टॉपिक के रूप में रखा गया है, जहां से 10 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां पे जो सवाल पूछे जाते हैं, पिछले अगर कुछ सालों के पेपर्स का अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि उसमें 6 से 7 सवाल ऐसे होते हैं जो अत्यंत ही सरल होते हैं, परंतु कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है। और विलोम शब्द, जैसा कि आपको जानकारी है कि बहुत ही निचली स्तर की कक्षाओं से ही हम लोग विलोम का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी सी सावधानी ना होने के कारण से हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो इसलिए विकल्प के तौर पर जो है, हम चारों विकल्प को ध्यान में रखेंगे और प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ने से जो है, विकल्प में जो है जो उत्तर हमें सेलेक्ट करना होता, कई बार उससे मिलता जुलता या सही उत्तर के नज़दीक सही उत्तर का हम चयन करते हैं, जिससे हमारा जो है प्रश्न गलत हो जाता है। तो विलोम जैसे टॉपिक के लिए, जो कि बहुत ही सरल टॉपिक माना जाता है, परंतु हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस टॉपिक को हल करने के दौरान हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से, और चारों विकल्प को पढ़ने के बाद उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी संभावनाएँ होती हैं कि एक सवाल के 2 या 2 से अधिक विकल्प सही होते हैं, लेकिन हमें उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है। और ऐसा हम केवल परीक्षा के दौरान सावधानी से, अपने शारीरिक मानसिक संतुलन से, प्रश्नों को पूरी तरीके से पढ़कर, विकल्प को पढ़कर ही कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो है, हम लोग विलोम का जो है चयन किए हुए हैं। और विलोम का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व हम 2 तरीके की बातें करेंगे। एक तो विलोम का जो परिभाषा है, एक विलोम का प्रकार है, और कुछ महत्वपूर्ण विलोम जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन 3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि विलोम की परिभाषा तो बहुत ही सामान्य है कि अपना विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को जो है विलोम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रकार को देखेंगे, एक्चुअली इसकी परिभाषा हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके प्रकार पर जब हम चर्चा करेंगे तो उसका अर्थ जो है उसकी परिभाषा से निकल करके आता है। तो हम इसके जो है प्रकार को जो है देखने का जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे कि विलोम जो है वो 2 प्रकार का, एक जो है वो भाव के अनुसार होता है और दूसरा जो है वो शब्द के आधार पर होता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम किसी भी विकल्प का चयन करेंगे या विलोम शब्द का निर्धारण करेंगे, तो वहाँ पर पहले शब्द के आधार पर, सबसे पहले हम जो है वो शब्द के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार वहाँ पे विकल्प में 2 उत्तर सही होता, एक शब्द के अनुसार सही होता, एक भाव के अनुसार। चूँकि विलोम जो है, जब हम शब्द के अनुसार चयन करेंगे तो वह शब्द के, यानी कि जो उसमें अक्षर होंगे, प्रयोग में आएंगे, वर्ण आएंगे, उसके अनुसार भी विलोम होगा और अपने अर्थ के अनुसार भी विलोम होगा। लेकिन अगर विकल्प में शब्द के अनुसार वहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है तो हम भाव के अनुसार उसका विकल्प देखेंगे। जैसे यहाँ पर नोट में हमने यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि विलोम का निर्धारण शब्द और भाव, इन दोनों के ही आधार पर किया जाता है, परंतु सबसे पहले हम इसे शब्द के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में इसमें मैंने बताने का प्रयास भी किया हुआ है और आप लोग भी देखेंगे कि जैसे आज़ादी है, आज़ादी का विलोम जो है वो गुलामी होता है। यद्यपि अगर भाव के अनुसार देखा जाए तो आज़ादी की जो है विलोम को अगर हम देखेंगे, आज़ादी का विलोम जो है परतंत्रता भी हो सकता है, लेकिन ये जो है भाव के अनुसार है। अब अर्थ विलोम, गुलामी और परतंत्रता दोनों का एक ही निकल के सामने आता है, लेकिन आज़ादी का जो सही विलोम होगा वो आपका जो है गुलामी होगा।
आज़ादी का सही जो है वो गुलामी होगा, लेकिन अगर गुलामी विकल्प में नहीं दिया गया है तो हम परतंत्रता को लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ और भाव के आधार पर आज़ादी का विलोम जो है परतंत्रता भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए शब्दों के अनुसार तो परतंत्रता जो है स्वतंत्रता का जो है विलोम होता है और आज़ादी का गुलाम जो है विलोम जो है वो गुलामी होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये प्रयास करेंगे प्रश्न को हल करने के दौरान कि सबसे पहले हम शब्द के अनुसार विलोम का निर्धारण करेंगे, और जब हम शब्द के अनुसार विलोम का निर्धारण करेंगे और उसमें देखेंगे कि शब्द के अनुसार कोई भी विलोम नहीं है तो हम भाव के अनुसार उसका चयन करने का प्रयास करेंगे। और एक बात हमेशा डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा कि हमेशा हमें चारों विकल्प पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही नज़दीकी मामले होते हैं ऐसे विकल्पों का चयन करने में है और उत्तर का निर्धारण करने में। तो आप लोगों के लिए प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ना और विकल्प को पूरी तरीके से पढ़ना, ये दोनों ही बातें अपने आप में महत्वपूर्ण और ज़रूरी होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक इस टॉपिक के अंतर्गत जो है उसकी परिभाषा और दो रूप में, यानी कि एक भाव के रूप में एक शब्द के रूप में देखा, और सबसे पहले हम लोग जो है उसे शब्द के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद कुछ परीक्षा में जो अभी तक अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखने का जो है हम प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम कुछ रेफरेंस बुक आपको बताएंगे जो आपको इस टॉपिक को तैयार करने के लिए एक आधार बनेगा। तो हम पहले कुछ महत्वपूर्ण जो एक नोट्स के रूप में हमने मेंटेन किया हुआ है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है विलोम को देखने का प्रयास करते हैं। तो हम एक तरफ से इसको देखने का प्रयास करेंगे, इसमें देखेंगे जो है जैसे अंतिम है, अंतिम का जो है लोग प्रथम भी लगा देते हैं, प्रारंभ भी लगा देते हैं, लेकिन इसका अंतिम का सही जो है वो अनंतिम ही होता है। अक्षत है, अक्षत का सही शब्द जो है छत है। आदि है, आदि का जो है वो अंत होता है। आदि का अंत यानी कि प्रारंभ होगा आदि का अर्थ जो है, और अंत मतलब अंतिम हो जाता ही है, तो अंत होगा। अंतरंग का इसी तरीके से बहिरंग होता है। अकर्मक का जो है सकर्मक होता है। अक्षम का जो है वो क्षम नहीं होगा बल्कि सक्षम होगा, यद्यपि विकल्प में यदि नहीं दिया गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखने के लिए कई आता है, क्योंकि जब हम समीक्षा अधिकारी के मेंस में जाएंगे तो वहाँ पे लिखने के लिए भी दिया जाएगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम अक्षम के लिए सक्षम का ही जो है चयन करेंगे। अगला है दुर्गम, दुर्गम का जो है सुगम होता है। अग्नि का जो है वो जल होता है, ये विशेष टाइप का जो है इसे हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता, अग्नि का जल होता है। अग्रज का जो है वो अनुज होता है, अग्रज का छोटा भी लिखा जा सकता है अगर देखा जाए उसके भाव के अनुसार, लेकिन शब्द के अनुसार जैसा कि हमने आपको बताया है वो अग्रज का अनुज ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना जरूरी होगा कि आप अपने विकल्प का चयन हमेशा शब्द के अनुसार पहले करेंगे। यदि विकल्प में शब्द के अनुसार उपलब्ध नहीं है कोई विकल्प तो हम भाव के अनुसार करेंगे। अच्युत का होगा च्युत, अच्युत मतलब होता है अपने स्थान से न डिगने वाला, हटने वाला, और जैसे एक शब्द आता पदच्युत कर दिया जाना, पद से हटा दिया ना, तो उसी तरीके से अच्युत का च्युत होता है। अगला है अज्ञ, अज्ञ का होता है विज्ञ, अज्ञ का मतलब जो है जिनको जानकारी ना हो, और विज्ञ का मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान उनके पास हो, तो प्रज्ञ का भी अर्थ वही होता है। अति का जो है वो न्यून, अति मतलब जो है एक सीमा से जो है ज़्यादा की बात की जा रही है तो वो अति हो जाता है, और न्यून का मतलब एक लिमिट से नीचे की बात की जाती है। अतिवृष्ट अनावृष्ट, अतिवृष्ट माने अत्यधिक जहाँ पे वर्षा हो रही है, और अनावृष्ट जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि विज्ञ और अभिज्ञ दोनों का अर्थ एक ही होता है। अनभिज्ञ का अर्थ जो होता है जिसको जानकारी ना हो, तो यहाँ पे अगर ये पूछता है विज्ञ का तो उसको अभिज्ञ नहीं लगाना है बल्कि हम अनभिज्ञ लगाएंगे, क्योंकि आ लगाने से भी यहाँ इसका उत्तर जो है वो विलोम अर्थ प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए अनभिज्ञ के लिए जो है अभिज्ञ शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। अतिक्रमण का जो है वो अनतिक्रमण होगा, अतिक्रमण का मतलब है अनतिक्रमण, या किसी भूमि पर या किसी जो है छूटे हुए जो भूभाग पर
गलत तरीके से जो है कब्जा करना अतिक्रमण या इस तरीके का शब्द प्रयोग होता है, अनतिक्रमण उसका विलोम होता है। अगले तरफ हम देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्मुखी का जो है बहिर्मुखी होता है, अत्यधिक का जो है अत्यल्प होगा, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अथ का इति होता है, और एक अभी हमने ऊपर देखा था अति का न्यून, तो यहाँ इति और अति में अंतर है, अति का न्यून होगा और अथ का इति होगा। इसी तरीके से अथाह, अथाह का जो है सतही और छिछला, सबसे पहले हम लोग सतही को लगाएंगे क्योंकि शुद्ध शब्द है, छिछला उसके बाद अगर नए विकल्प में है तो छिछला लगाएंगे। अद्यतन का अनद्यतन, अद्यतन जिसको अपडेट कहा जाता है, अपडेट से है, और अनद्यतन पुराने से है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अधुनातन और पुरातन, एक अद्यतन शब्द है जिसका अनद्यतन होगा और एक अधुनातन अगर आता है तो एक पुरातन होगा। यहाँ पे भी शब्दों को जो है फॉलो किया जा रहा है, यद्यपि अधुनातन का जो है पुरातन, इसका जो शुद्ध होगा विलोम वो पुरातन ही होगा। इसी तरीके से अधम का है, अधम का उत्तम होगा, अधम का कहीं कहीं पे जो है नीच शब्द भी लिखा रहता है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले शब्दों शब्दानुसार जो है उसके विलोम को देखने का प्रयास करेंगे और अधम का जो है ये उत्तम होगा। इसी तरीके से अधिक का जो है वो न्यून होगा, अधिक का जो है वो न्यून होता है, कम नहीं होगा, कम जो है यहाँ पे अधिक का जो है कम ना होकर के अधिक का जो न्यून होगा, कम का जो है ज़्यादा होता है, ज़्यादा का कम होगा, अधिक का न्यून होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अगर सावधानी बरतेंगे और इस तरीके का एक प्रैक्टिस अपने जो है व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे तो बेसिकली हम एग्ज़ाम में 10 में 10 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक है और कई बार की परीक्षा में हमने स्वयं यहाँ पे जो है 60 क्वेश्चन में जो है 61 क्वेश्चन तक सही किया हुआ है। तो यह एक प्रैक्टिस पे आधारित होता है और बेहतर ढंग से जो है कुछ सेलेक्ट स्टडी मटेरियल और अपने जो है प्रैक्टिस के आधार पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे सही कर सकते हैं। अधिकृत का जो है अनधिकृत होता है, स्वतंत्र का जो है परतंत्र होता है। यही देखिए यहाँ पर अभी जो है क्वेश्चन, जब हम लोग भाव और शब्द के अनुसार विलोम में अंतर कर रहे थे तो भी वहाँ पर देखा था स्वतंत्र का जो है परतंत्र होगा, स्वतंत्र का जो है गुलामी भी हो सकता है, लेकिन नहीं, स्वतंत्र का हम परतंत्र लिखेंगे, स्वतंत्रता का परतंत्रता लिखेंगे, स्वाधीन का देखिए यहाँ पे पराधीन लिखेंगे, आज़ादी का यहाँ पे गुलामी। तो ये तीनों जो है शब्द हैं वो एक से मिलते जुलते हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग पर्यायवाची के शब्द होते हैं, इसलिए पर्यायवाची के इन शब्दों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अधिमूल्यन का जो है अवमूल्यन, अधिमूल्यन मतलब बढ़ाना किसी वस्तु के मूल्य को, अवमूल्यन मतलब घटाना, अधीन का मतलब हो गया स्वतंत्र हो जाता है, और स्वाधीन का जो है वो पराधीन होगा। यहाँ पर भी जो है ये दोनों शब्दों में जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा, स्वाधीन का जो है पराधीन और अधीन का मतलब स्वतंत्र होगा, स्वाधीन का पराधीन होगा, जहाँ स्व लगा रहेगा वहाँ परा शब्द आ जाएगा। अध्यवसाय का अनध्यवसाय मतलब मेहनत करने वाला और कम मेहनत करने वाला। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो है विकल्पों को हमने देखा। एक शब्द यहाँ पे आता है जो कि कठिन भी है, पूछा भी जाता है, मसृण का जो है रूक्ष होता है, मंथर का जो है क्षिप्र होता है, अनुयायी का जो है विरोधी होता है। अनुयायी मतलब किसी भी व्यक्ति के कार्य का व्यवहार का अनुसरण करने वाला, और विरोध का मतलब उसका विरोध करने वाला, विरोधी। और मंथर का क्षिप्र, मंथर जो है वो धीमी गति होता है, क्षिप्र मतलब जो है वो बहुत ही तीव्र गति होता है, तो मंथर का जो है क्षिप्र होगा। उदार का जो है अनुदार होगा, अनुज का अग्रज होगा, अनुज का जो है बड़ा भी हो सकता है लेकिन नहीं, शब्दों के अनुसार हम देखेंगे और पुनः अग्रज आएगा। अनिवार्य का निवार्य, अनिवार्य का जो है वो निवार्य होता है। वैकल्पिक भी यहाँ पे एक शब्द प्रयोग में लाया गया है कि वैकल्पिक भी हो सकता है, जैसे अनिवार्य का मतलब ये हो गया कि उसे करना ही करना है, वैकल्पिक का मतलब आपके पास विकल्प होगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या इसी तरीके से निवार्य होगा। शुद्ध शब्द जो है अनिवार्य का निवार्य होगा, और अगर नहीं विकल्प में है तो आप वैकल्पिक उसमें लगाते हैं, ये स्थिति बनती है। तो अगला है अनुग्रह का जो है विग्रह होगा, अनुरक्त का विरक्त होता है, अनुराग का जो है विराग होता है,
अनुलोम का विलोम होगा और कहीं कहीं पर ये प्रतिलोम भी आ जाएगा। अगर विलोम नहीं है तो हम प्रतिलोम पर लगाएंगे। उत्कर्ष का जो है अपकर्ष, उत्कर्ष आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना, अपकर्ष का मतलब नीचे की तरफ आना या किसी भी स्थिति से जो है अवनत होना। अपराधी का जो है निरपराधी, उपेक्षा का अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा, दोनों एक दूसरे से। अभिमुख प्रतिमुख या अभिमुख का विमुख भी होता है, दोनों ही सही है किंतु अभिमुख का विमुख लगाएंगे या प्रतिमुख, दोनों ही। अभिसरण का जो है अपसरण होगा, अभिसरण का मतलब किसी पॉइंट की तरफ जो है बढ़ना और अपसरण का मतलब है किसी पॉइंट से दूर जाना। अमावस्या का पूर्णिमा होता है और जीवन का जो है मरण होता है। यहाँ पे पुनः जो है कुछ शब्दों में अंतर है, जीवन का मरण होगा और अमर का जो है वो अमर का मृत्यु होगा, परंतु जीवन का मरण होगा। इसी तरीके से अमित परिमित, अमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो और परिमित मतलब जो एक निश्चित दायरे में हो उसके लिए है। अमृत का विष, अर्जित का जो है अनर्जित, अर्पण का ग्रहण, प्राचीन का जो है अर्वाचीन, प्राचीन मतलब पुराना होता है तो शुद्ध शब्द जो है अर्वाचीन है। प्राचीन का नवीन भी लिखा जा सकता है लेकिन हम अर्वाचीन पहले लगाएंगे। अल्पज्ञ का जो है बहु, अवनी का अंबर, पृथ्वी होता है और आकाश होता है। अगला है जो है अवाक का जो है वो जो है सवाक होता है, अवाक का सवाक होता है। यहाँ पे अश्लील का श्लील होता है, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, अक्सर भूल जाता है तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अश्लील का श्लील होगा। उदय का जो है अस्त होता है, अस्तित्व का अनस्तित्व होगा, अंतर का जो है बाह्य होगा और अंदर का बाहर होगा, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। इस तरीके के शब्दों में अंतर आता है क्योंकि अंदर का दो, बाह्य और बाहर अगर दोनों दे दिया तो अंदर बाहर जैसे होता है, रा का इसमें प्रोनंसिएशन उच्चारण भी हो रहा है तो अंदर का बाहर और अंतर का बाह्य, आकर्षण का जो है अनाकर्षण या विकर्षण दोनों हो सकता है। तो हम अगले कलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आकाश का जो है पाताल है, आक्रांत का जो है अनाक्रांत है, आगमन का जो है आना, प्रस्थान का जाना, आगामी का विगत, आग्रह का दुराग्रह, आग्रह माने सही तरीके से किसी काम के लिए जो है अपेक्षा करना और दुराग्रह माने गलत तरीके से जो है, आज्ञाकारी अवज्ञाकारी, आज्ञा का जैसे अब यहाँ पे ये भी हो सकता आज्ञा का अवज्ञा हो जाएगा तो आज्ञाकारी है तो अवज्ञाकारी हो गया। आदर का जो है निरादर होगा, आदर का निरादर या अनादर दोनों ही शब्द हो सकते हैं। यद्यप ऐसे सवाल अगर विकल्प में जो है दोनों देता है तो ये सवाल गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दोनों का ही अर्थ समान प्रतीत होता है, इसलिए ऐसे सवाल विकल्प में नहीं दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आदर का जो है निरादर होगा और नहीं है अगर विकल्प में तो आप दोनों विकल्प है तो बाद में पहले निरादर पे लगाएंगे, अगर नहीं है तो अनादर को लगाने का प्रयास करेंगे। आदि का जो है अंत हो गया, आदृत का अनादृत होगा या आदृत मतलब आदर से है तो उसका तिरस्कृत भी हो जाएगा, आदृत का तिरस्कृत, लेकिन आदृत का शुद्ध जो है वो अनादृत अनादृत होता है, आदृत अनादृत। आध्यात्मिक का जो है सांसारिक होता है, आपसदारी का दुजाएगी होता है, आपसदारी का जो है दुजाएगी मतलब आपस से मतलब है और दूसरे से मतलब है। यहाँ पे आमिष का निरामिष, मांस खाने वाले और बिना मांस खाने वाले लोगों के लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है। आराध्य का दुराध्य, आराध्य जिसकी पूजा किया जा सकता है और जो पूजा करने की योग्य ना हो। आरूढ़ मतलब चढ़ना, अनारूढ़ मतलब उतरना, आरोह का अवरोह दोनों का अर्थ वही है लेकिन आरूढ़ का जो है हम अवरोह नहीं लिखेंगे, आरूढ़ का अनारूढ़ लिखेंगे, आरोह का अवरोह लिखेंगे, आद्र का जो है शुष्क लिखेंगे, आर्स का जो है अनार्स, आविर्भाव का तिरोभाव लिखेंगे,
आवृत का अनावृत लिखेंगे, आस्तिक का नास्तिक, आहूत का अनाहूत माने बुलाना, और अनाहूत का मतलब ना बुलाना, इष्ट का जो है अनिष्ट, ईप्सित का अनिप्सित होता है, उग्र का सौम्य होता है, उद्दत का जो है विनत होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। उत्कर्ष का जो है अपकर्ष होगा, उत्तीर्ण का जो है अनुत्तीर्ण होगा, उत्तेजित का जो है समित होता है, उत्थान का जो है पतन, उत्पादक का जो है विनाशक, उत्पादक मतलब उत्पन्न करना, विनाशक मतलब उसको समाप्त करना, उदयाचल का जो है अस्ताचल होता है, उदासीन का जो है आशक्त। किसी बिंदु, किसी कार्य, किसी व्यक्ति के प्रति जो है हट जाना, या उसमें ना तो रुचि लेना ना तो अरुचि लेना, उसे उदासीन कहा जाता है। और आसक्त का मतलब उसकी तरफ जुड़ना या उसकी तरफ झुकना होता है। इसी तरह उद्भव का मतलब अवसान होता है, उद्भव का मतलब निकलना, अवसान का मतलब समाप्त होना जो है। उद्यम का जो है आलस्य होता है, उद्यम का आलस्य होता है। और कुछ शब्दों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उद्विग्न का जो है निरुद्विग्न होता है, उन्नति का जो है औन्नति होता है, उन्मुख का जो है विमुख होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, रोपण मतलब बोना, उन्मूलन का मतलब उसे समाप्त कर देना। उपकार का जो है अपकार होगा, उपयुक्त का जो है अनुपयुक्त होगा, और उपयोग का जो है अनुपयोग होगा। उल्लास का जो है विषाद होगा, उल्लास मतलब खुशी होता है, विषाद मतलब दुख होगा। ऋजु का मतलब जो होता है सरल रेखा होती है, और वक्र का मतलब टेढ़ी रेखा होती है, सरल का जो है कठिन होगा। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ऋजु का मतलब सरल रेखा ही होता है, लेकिन जब सरल आएगा तो हम कठिन लिखेंगे, और ऋजु आएगा तो हम वक्र लिखेंगे। सीधा भी है अगर तो हम टेढ़ा लिखेंगे। यहाँ पर ऋजु, सरल और सीधा लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, लेकिन तीनों शब्दों के विलोम अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। ऋत का अनृत होता है, ऐक्य का जो है अनैक्य होगा, ऐच्छिक का अनैच्छिक होगा, ऐहिक का पारलौकिक होता है, ऐहिक मतलब इस दुनिया से, पारलौकिक मतलब दूसरी दुनिया से, औपचारिक का जो है अनौपचारिक, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कड़वा का मीठा, कटु का मधुर। यानी कि अगर कड़वा आएगा तो मधुर नहीं लिखा जाएगा, मीठा लिखा जाएगा, लेकिन मीठा विकल्प में नहीं है तो फिर हम मधुर लिखेंगे और कटु का मधुर आएगा। और कठोर का जो है परुष होता है, कठोर का जो है परुष होता है, और इसी तरीके से करुण का जो है, करुण का जो है निष्ठुर होता है। अगर है कलंक का जो है वो निष्कलंक होता है, कीर्ति का जो है अपकीर्ति होता है, कृतज्ञ कृतघ्न होता है, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, कृतघ्न उसको न मानने वाला, कृपण दाता होता है, कृष्ण का शुक्ल होता है, जैसे कृष्ण पक्ष होता है शुक्ल पक्ष होता है, कोप का कृपा होगा जो है, और क्रोध का जो है क्षमा होगा। ध्यान में रखना है इन दोनों शब्दों में भी अंतर करना जरूरी है। शाश्वत का नश्वर होगा, इसी तरीके से क्षम्य का जो है अक्षम्य होगा, खरा का जो है खोटा होगा, गंभीर का वाचाल होगा, गणतंत्र का राजतंत्र इंपॉर्टेंट चीज़ है। गणतंत्र एक ऐसे राष्ट्र के लिए प्रयोग में आता है जहाँ का सर्वोच्च अधिकारी चुनाव से आता है, और राजतंत्र ऐसा राजनीतिक व्यवस्था वाला देश होता है जिसके मुखिया जो है वो वंशानुगत शासन पर आधारित होते हैं। भारत एक गणतंत्र है, और ब्रिटेन को अगर देखा जाए तो वो राजतंत्र, क्योंकि वहाँ सम्राट और साम्राज्ञी होते हैं। हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे देखने का जो है प्रयास करेंगे। गुण का जो है वो दोष होता है, गुण का जो है दोष होता है, और गुण का जो है अवगुण भी होता है। यहाँ पे सगुण का जो है निर्गुण होगा, सगुण का अवगुण नहीं होगा, सगुण का निर्गुण ही होगा। समीक्षा अधिकारी के पूर्व की परीक्षा में ये सवाल पूछा भी जा चुका है, और वहाँ पर इसी तरीके से विकल्प देकर के उलझाने का प्रयास किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सगुण है तो निर्गुण, और गुण है तो दोष होगा, यद्यपि गुण का अवगुण भी लिखा जा सकता है। गुप्त छिपा हुआ प्रकट, गुरु का लघु, गुरु का लघु होता है।
गुरु मतलब दीर्घ होता है, बड़ा होता है, लघु माने छोटा होता है, गृहस्थ का जो है सन्यासी होता है, गौड़ का जो है मुख्य होता है, और गौरव का लाघव होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है। ग्रस्त मतलब किसी भी चीज से जो है जुड़ा हुआ, ढका हुआ, प्रभावित, और मुक्त का मतलब उससे अलग। लेकिन ग्रहण का जो है वो त्याज्य होगा, ग्रहण का त्याग होगा, और ग्राह्य का जो है वो त्याज्य होगा। यहाँ पे ये तीनों ही शब्द जो है वो आपको देखना है, और तीनों ही शब्दों में अंतर करने का प्रयास करना, ग्रस्त का मुक्त, ग्रहण का त्याज्य और ग्राह्य का त्याज्य। ग्रहण का त्याग होगा और ग्राह्य का त्याज्य होगा। चिंत्य का जो है अचिंत्य होता है, चिंतन का नरस्वर होता है, चिरंतन का जो है चिरंतन का जो है नश्वर होता है, और जंगम का जो है अस्थावर होता है, जड़ का चेतन होता है, जागरण का सुसुप्त होता है, जातीय का जो है विजातीय, औरस का जो है जारज, जीवन का जो है मरण। खैर इसको तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसी तरीके से जीवित का जो है मृत होता है, जीवन का मरण हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही। ज्येष्ठ का जो है कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ का छोटा भी हो सकता है, लेकिन शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध विलोम जो है वो ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा। तरुण का जो है वृद्ध होगा, या वृद्ध का अगर पूछता है तो बालक भी हो सकता है, और तरुण का जो है वृद्ध होगा। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, प्रकाश, तिमिर का प्रकाश, या अंधकार का भी प्रकाश होता है। तुच्छ का जो है महान होगा, थोक का फुटकर होगा, ये अलग टाइप का है, ये अर्थ के अनुसार है, भाव के अनुसार है। दीर्घकाय का जो है कृशकाय होगा, दुर्जन का जो है सज्जन होगा, दुर्जन का भला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम शब्द के अनुसार देखेंगे। दुर्लभ का जो है सुलभ, दुष्कर का सुकर, देव का दानव, धृष्ट का विनम्र, ध्वंस का निर्माण, निंदा का स्तुति, और निरर्थक का जो है सार्थक जो है होता है। अगला क्वेश्चन, निर्णात का जो है अनिर्णीत होता है, निर्णीत का जो है अनिर्णीत होता है। थोड़ा सा यहाँ से शब्द जो है मिसप्रिंट हुआ है, निर्णीत अनिर्णीत मतलब जिसका निर्णय किया जा सके और जिसका निर्णय ना हो सके वो अनिर्णीत। साकार का जो है निराकार, यानी जिसका कोई आकार ना हो जिसका कोई आकार हो। निंद का जो है श्लाघ्य, निर्मल का जो है मलिन, निर्वचनीय का अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका निर्वचन न किया जा सके, जिसकी व्याख्या न किया जा सके वो निर्वचनीय होता है। और निषिद्ध का जो है विहित, निषिद्ध मतलब जो मना कर दिया जाना, नूतन का जो है पुरातन, नैसर्गिक का जो है कृत्रिम, पंडित का जो है मूर्ख, पतन का जो है उत्थान। इसी तरीके से गद्य का जो है वो पद्य होता है, स्वार्थ का जो है परार्थ, शुद्ध शब्द है जो है, शुद्ध जो शब्द है वो जो है वो परार्थ ही होता है, यद्यपि वो परार्थ न होने की स्थिति में जो है आप लोग जो है परमार्थ लगाएंगे, लेकिन जो है स्वार्थ का परार्थ होता है। परिश्रमी का जो है अपरिश्रमी होगा, या आलसी भी हो जाएगा। प्रत्यक्ष का जो परोक्ष, शुद्ध शब्द परोक्ष है, अगर परोक्ष नहीं है विकल्प में तब आप अप्रत्यक्ष लगाएंगे। पवित्र का जो है अपवित्र, पसंद का जो है नापसंद, पात्र का जो है अपात्र, पार्थिव का अपार्थिव, यानी पृथ्वी से जो संबंधित हो, जो पृथ्वी से, पुरस्कार का जो है दंड हो जाता है, पुरस्कार का जो है दंड हो जाता है। पुष्ट का जो है वो छीण होगा, अगर नहीं विकल्प में है तो आप अपुष्ट भी लगाएंगे, लेकिन पुष्ट का छीण होगा, कमजोर, और छीण का मतलब कमजोर होगा, पुष्ट का मतलब बलवान बलशाली। पूत का जो है कपूत होगा, और पुत्र का जो है कुपुत्र हो जाएगा, पूत का कपूत हो जाएगा, अगर नहीं विकल्प में है तो भी हम एक दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण का अपूर्ण होगा, पूर्व का जो है उत्तर होगा, पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद, तो पूर्व का जो है उत्तर होगा, अगर नहीं है विकल्प है तो बाद हम लगा देंगे। लेकिन एक शब्द है यहाँ पे पूरब,
इसका मतलब पश्चिम होगा। तो यहाँ पे ये दोनों शब्द जो है महत्वपूर्ण है। पूर्व जो है वो किसी दो घटना में जो है पहले और बाद की घटना की बात करता है, लेकिन जो पूर्व शब्द है वो दिशा की बात करता है। इसलिए पूर्व का पश्चिम हो जाएगा और पूर्व जो है वो दो घटनाओं में पहले क्या है तो बाद का या उत्तर का हो जाएगा। ये चीज़ है। उत्तर जो दूसरा पहले में जो उत्तर शब्द है ये दिशा के लिए नहीं है, ये बाद के लिए शब्द आया है। खैर उत्तर एक दिशा भी होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर का तात्पर्य जो है किन्हीं दो घटनाओं में बाद की घटना का। पूर्ववर्ती का जो है उत्तरवर्ती होगा। पौरुषीय का अपौरुषीय, प्रखर का जो है मंद होगा। प्रगतिशील का जो है रूढ़िवादी होता है, मतलब जो पुरानी सोच का व्यक्ति हो। प्रगतिशील मतलब जो नए विचार नई परिस्थितियों के अनुसार अपने में बदलाव करता है और स्वीकार करता है। अगर नहीं है जो है विकल्प तो हम यहाँ पे अप्रगतिशील भी लगाएंगे जो है। अगर यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है तो अप्रगतिशील भी हम लोग लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो है प्रगल्भ का जो है आ जो है प्रगल्भ होगा। प्रछन्न का जो है प्रकट होगा। प्रथम का जो है अंतिम होगा। प्रधान का जो है गौड़ होगा। परलय का जो है सृष्टि होगा। प्रवृत्ति का जो है वो निवृत्त हो जाता है। आगे कुछ और कलेक्शंस पर हम लोग जो है यहाँ पर विचार करेंगे। प्रशस्त का जो है अप्रशस्त हो जाएगा। प्रसार का जो है संकुचन या संकोच हो जाएगा। प्रातःकाल का जो है सायंकाल हो जाएगा। प्रेम का जो है घृणा हो जाएगा। फूल का जो है कांटा। बंधन का जो है मोक्ष, और मुक्ति दोनों होता है। बंधन का मोक्ष पहले लिखाएंगे। बर्बर का सभ्य। बहिरंग का अंतरंग और बाहर का अंदर हम लोगों ने पहले चर्चा की। द्रुह का सरल। भयभीत का निर्भीक। भाव का जो है अभाव। भाव माने होना, अभाव माने न होना। भूतपूर्व अभूतपूर्व। भूतपूर्व जो पहले हुआ हो, अभूतपूर्व जो पहले ना हुआ। भेद्य अभेद्य। भौतिक आध्यात्मिक। मनुज धनुज। मानवता निशंसता। मुख का जो है पृष्ठ होगा। मुख माने सामने, पृष्ठ माने पीछे। मुख का वाचाल होगा। मेल का वैमनस्य या वैमनस्य का सौमनस्य भी होता है। सौमनस्य भी होता है। सौमनस्य मतलब आपस में मिलजुल करके रहने वाली स्थिति, जिसको मेल कहा जाता है। तो वैमनस्य का सौमनस्य भी होता है, और मेल अगर आए तो उसका वैमनस्य भी हो जाएगा। मौन का जो है वो मुखर हो जाता है। यश का जो है अपयश हो जाता है। युद्ध का जो शांति हो जाता है। युवा का जो वृद्ध हो जाता है। योग का जो वियोग। योगी का जो भोगी हो जाता है। यौवन का वार्धक्य होता है। ये जो है महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। रचना का जो है ध्वंस हो जाता है। राग का जो है विराग होता है, नहीं है तो राग का द्वेष भी होता है। राजा का रंक होता है। रूक्ष का मृदु होता है। लौकिक का जो है अलौकिक होता है, या पारलौकिक भी होता है। बसंत का पतझड़ होता है। वादी का प्रतिवादी होता है। विख्यात का कुख्यात शब्द जो है प्रयोग में लाया जाता है। अगले कुछ क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे जय का जो है पराजय। किसी युद्ध में कोई व्यक्ति जीत जाता है तो जय होता है, अन्यथा पराजय होता है। विधवा का जो है सधवा होता है। विदित का जो है आविदित होता है। विधि का निषेध होता है। विधि सम्मत का जो है विधि विरुद्ध। विपत्ति का जो है संपत्ति का विपत्ति होता है, या विपत्ति का संपत्ति। सम्मुख का विमुख। विशाल का जो है लघु। विश्लेषण का संश्लेषण। विस्तृत का संक्षिप्त। छोटा का अगर आएगा तो बड़ा हो जाएगा। विश्वसनीय का अविश्वसनीय। विहित का जो है अभिहित। वृष्टि माने वर्षा और अनावृष्टि, यह हम लोगों ने देखा था जो है। अतिवृष्टि का भी अनावृष्टि था। वृष्टि माने वर्षा हो गया,
और अनावृष्टि माने वर्षा जहाँ पे ना हो, वृद्धि का ह्रास, वैतनिक का जो अवैतनिक, व्यक्त का अव्यक्त, व्यष्टि का समष्टि, शत्रु का जो है मित्र, साप का जो है वरदान, शालीन का धृष्ट, शिष्ट का अशिष्ट, हर्ष का जो है विषाद होता है। इसी तरीके से श्रव्य का दृश्य, श्री गणेश का इति श्री, श्री गणेश मतलब शुरू करना, इति श्री मतलब समाप्त हो जाना कार्य का, श्लाध्य का जो अश्लाध्य, संकल्प का विकल्प, संक्षेप का विस्तार, संगति का विसंगति, सन्यासी का जो है गृहस्थ, संधि का विग्रह, संपन्न का विपन्न, सक्रिय का निष्क्रिय, सक्षम का अक्षम, सज्जन का दुर्जन, सत्कर्म का जो है दुष्कर्म, सत्कार का तिरस्कार होता है। अगले कुछ कलेक्शन को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। दंड का जो है पुरस्कार हो जाएगा, इसी तरीके से सभ्य का जो है बर्बर, सम का जो है विषम, अनाथ का सनाथ, सदुपयोग का दुरुपयोग, सत्संग का कुसंग, सदय का जो है निर्दय, समूल का निर्मूल, सम्मुख का विमुख, विकार का निर्विकार, सहयोगी का जो है प्रतियोगी, सांसारिक का जो है पारलौकिक, सांसारिक जो है का मतलब इस दुनिया से जुड़ा हो, पारलौकिक जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हो उसे जो है पारलौकिक कहा जाता है। साकार का जो है निराकार, सापेक्ष का निरपेक्ष, आगमन का जो है निगमन होता है, सार्वजनिक का निजी, संस्थागत का वैयक्तिक, साहस का दुस्साहस होता है, साहस के लिए जो है दुस्साहस शब्द का प्रयोग, साहसी का भीरू, साहसी मतलब जो किसी कार्य को जिम्मेदारी के साथ कर सकता है, जिसमें बिना किसी डर भाव के कर सकता है, निडरता के साथ, और भीरु मतलब डरने के साथ करना, कीर्ति का अपकीर्ति, कृत्य का जो है कुकृत्य, सुखांत का दुखांत, जैसे जिसको कॉमेडी का ट्रेजेडी बोला जाता है, और सुखद का दुखद होगा, यहाँ पे ये दोनों ही शब्दों को मतलब को हम लोगों को देखना है, सुगंध का दुर्गंध, सुगम का दुर्गम, सुपाच्य का कुपाच्य, सुमति का कुमति, सुलभ का दुर्लभ, सुसुप्ति का जो है जागरण, सोना जागना, सूक्ष्म का स्थूल, सृष्टि का प्रलय, स्तुति का निंद, निंदा जैसे कहते हैं, स्तुति, निंदा अगर होगा तो स्तुति होगा, स्तुति होगा, स्तुत्य है तो निंद्य होगा, स्वर्ग का नरक, स्वर्गीय का जो है नारकीय होता है, स्वामी का जो है वो स्वामी का दास होगा, नहीं है तो भृत्य भी इसके लिए एक शब्द प्रयोग में आता है जो अर्थ के अनुसार है। यहाँ पे जो है हथियार बंद का निहत्था होगा, हथियार बंद जो हथियार के साथ हो उसके बाद निहत्था होगा, हर्ष का दीर्घ छोटा बड़ा जिसको कहते हैं, लघु का गुरु, हास का रुदन, हंसना रोना, बेदर्द का हमदर्द होगा, बेदर्द का हमदर्द होगा, उच्छ्वास का जो है निःश्वास होगा, तलवार का ढाल होगा जिसमें तलवार को रखा जाता है, विधवा का सधवा होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा, स्वकीय का परकीय, स्वकीय है तो परकीय है, अगर या पे दीर्घ का मात्रा लगा है स्वकीय तो वहाँ परकीय हो जाएगा, सदाचारी का दुराचारी, स्वर का व्यंजन, आयात का निर्यात, सम का विषम होगा। और यहाँ पे शब्द जो लिखा हुआ वो राम है, राम का जो है रावण होगा,
राष्ट्र का जो है राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, प्रवृत्ति का निवृत्त, लौकिक का जो है अलौकिक, या लौकिक का पारलौकिक भी होगा, पराधीन का जो है स्वाधीन, कर्मठ का अकर्मठ, असीम का ससीम, जिसकी सीमा हो जिसकी सीमा ना हो, असीम का मतलब जो है जिसकी सीमा ना हो, ससीम जो सीमा में, पुण्य का पाप, प्रशंसक का निंदक, भूषण का दूषण, प्रवेश का निकास, भूत का भविष्य, भूत मतलब जो बीत गया हो, भविष्य मतलब जो आने वाला है, प्रसूति का निवृत्त, विधि का निषेध होता है। इसी तरीके से रथी का जो है विरथी होगा, मतलब रथ पे कोई है और रथ पे कोई नहीं है, तो इसलिए जो है वो रथी और विरथी होता है। उपचार अनुपचार, थोक का जो है फुटकर होगा, खगोल भूगोल का खगोल होगा, चुस्त का सुस्त होगा, उपाधेय का जो है अनुपाधेय होगा, महात्मा का दुरात्मा होगा, समास का व्यास होता है। इसी तरीके से जो है तटस्थ का आसक्त होगा, उत्तरायण का जो है दक्षिणायन होगा, आवर्तक का जो है अनावर्तक होगा, सृजन का विनाश होगा, शोषक का पोषक होगा, परास्त का विजय होगा, अवर का प्रवर, अवर का जो है वो प्रवर होगा, जिसको अपर या लोअर भी कहा जाता है, अवर का लोअर होगा, प्रवर का अपर होता है। एकाग्र का चंचल, द्वंद का निर्द्वंद, आरोह का अवरोह, तेज का निस्तेज, श्रोता का वक्ता, अनुराग का विराग, मग्न का दुखी, अधम का उत्तम, सात्विक का तामसिक, धवल का श्याम, आदान का प्रदान, आकलन का विकलन, आहार का निराहार, ईप्सित का अनीप्सित, उन्मीलन का निमीलन, ऐषणा का अनेषणा, उपत्यका का अधित्यका, पहाड़ के नीचे की भूभाग और ऊपर की भूभाग के लिए, पाश्चात्य का पौर्वात्य, हेय का ग्राह्य। इसी तरीके से मौलिक का जो है अनूदित होता है, तनवलंगी का स्थूलंगी होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो है विलोम शब्द को, उसके प्रकार को, कुछ महत्वपूर्ण चयनित विलोम शब्द जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको देखने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझने का प्रयास किया कि विलोम शब्द में क्वेश्चन का सही होना इस बात पे उतना महत्वपूर्ण और उतना निर्भर नहीं करता है कि आपने कितना मेहनत किया है, बल्कि इस बात पर मेहनत निर्भर करता है कि आप परीक्षा के दौरान कितना शारीरिक और मानसिक रूप से वहाँ पे अपने आप को संतुलन में रखते हैं और पूरे प्रश्न को और सभी विकल्पों को पढ़ करके उत्तर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को विलोम शब्द के बारे में जो है कुछ समझ विकसित हुई होगी। इसके रेफरेंस के लिए आप हरदेव बाहरी की बुक में जो भी कलेक्शंस दिया हुआ है वो देख सकते हैं, या इसी तरीके से कुछ अन्य प्रतियोगी पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं इसको, और इस पर आधारित जो है एग्ज़ाम नज़दीक आने पर हम एक टेस्ट सीरीज भी आयोजित करेंगे, जिससे यहाँ से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आपकी तैयारी और आपके जो है समय प्रबंधन और त्रुटियों को जो है दूर करने में आसानी होगी। तो इसके साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।